तो एक कबूतर मैं देखा गैलरी में, जब मैं गया तो एक कबूतर धूप ले रहा था, धूप में बैठा हुआ था। तो कबूतर धूप ले रहा था, उसके पास बिल्ली आई, कबूतर नहीं भागा, बिल्ली फिर जंप कर रही है, कूद रही है, कबूतर फिर भी नहीं भागा, बिल्ली फिर जंप कर रही, कबूतर नहीं भागा, क्योंकि कबूतर को उस वक्त धूप की क्या थी, जरूरत थी। जब आपको जिस दिन शिक्षा की लग जाएगी जरूरत, उस दिन आपको कोई नहीं कर सकता हताश, कोई नहीं कर सकता निराश, और कोई कभी भी नहीं रोक सकता। बिल्ली हमेशा कबूतर से मजबूत होती है, कबूतर हमेशा भाग जाता है, लेकिन उस वक्त कबूतर नहीं भागा क्योंकि कबूतर को क्या थी, जरूरत थी। आज आपको शिक्षा की जरूरत है, आज आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं रोक सकती। एम आई राइट गाइस? तो इस तरह से अपनी जरूरत को क्या करना है, हाई करना है। जरूरत को क्या करना है, जरूरत को क्या करना है, जरूरत को क्या करना है, जोर से बोलो। अरे वो निकल गया, जरूरत को क्या करना है, अरे हाई करना है। जरूरत को क्या करना है, ये वाला निकाल लीजिए, जरूरत को क्या करना है, बोलो जोर से, हाई। हाउ इज द जोश, हाई ना। और दूसरी चीज एक और मैं कॉमन चीज बता दूं, आप सब लोग हैं राइट, आप सब लोग यहां पे बैठे हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग सीख रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज योर टाइम, इज योर वक्त, इज योर समय। वक्त कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, वक्त कभी कभी शरारत कर जाता है, वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, वक्त कभी बचपना याद दिलाता है तो वक्त कभी जवानी याद दिलाता है, वक्त कभी हमें बूढ़ा बना जाता है। ये वक्त है, वक्त में आप क्लास में बैठे हो तो बहुत कुछ वक्त सिखा जाता है और हमारे कानों में बहुत कुछ फुसफुसा जाता है, ये वक्त ही है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो इसलिए वक्त को पैसे से ज्यादा संभाल के रखो यारो, क्योंकि क्या पता कब वक्त आपके हाथ से छूट के निकल जाए। ये वक्त है साहब जो हमें बहुत कुछ बता के चला जाता है। तो हमेशा क्या समझना है, बाबू आ गए छोटे वाला, हमेशा वक्त को क्या करना है, टाइम को क्या करना है, संभाल के रखना है। टाइम को क्या रखना है, संभाल के रखना है। आप टाइम को संभाल के रख रहे हो, शादी कब कर रहे हो, अभी नहीं, वो भी एक वक्त है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हो या ना हो, अगर बारात का न्योता मिल गया, ये लड़के जो है कसम से माँ कसम, मैं आ रहा था पूरा रोड जाम है, कहा बरातियों से पूरी बस फिक्स है, एकदम भरी पड़ी है, कुछ नहीं करना, बारात जा रहे हैं, और मार एकदम कोट पैंट पहन के, क्रीम लगा के, और क्रीम दूर से चमक रही है, अरे क्रीम दूर से चमक रही है, क्योंकि वो क्रीम नहीं होती है, हल्का सा आदमी लगा रही है, ठीक है, वो पूरा लभेड़ लेंगे चेहरे में राइट, आराम से जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हो, अरे बारात जा रहे हैं। और जितने ज़्यादा दूल्हे की पापा की जिम्मेदारी नहीं रहती है, उससे ज़्यादा बरातियों की जिम्मेदारी रहती है। हाँ चल कुछ होगा देख लेंगे, और ज़्यादातर मार करवा देंगे वहाँ जाने के बाद। तो पॉइंट ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्या है, मैरिज को लेके सीरियस हैं, मैरिज को लेके क्या है, सीरियस हैं। तो हम अपनी शादी से कम 100 बारात तो अटेंड कर लेते हैं, ताकि अपनी शादी में किस तरह से जो है कि बचाना है पैसे, हम थोड़ा जुगाड़ लगा ले राइट। तो ये ज़िंदगी का ये भी एक वाक्य है। तो मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट वक्त एंड टाइम, वक्त एंड टाइम। मैं बार बार एक शायरी कहता हूँ, अल्लामा इकबाल एशिया के बहुत बड़े राइटर हैं, अब वैसे तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसलिए वक्त को क्या करना है, वक्त को संभाल के रखना है, वक्त को क्या करना है, हाँ ठीक है, वक्त का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे एक पॉइंट था, मैं आपको एक और चीज़ें बताऊँगा, बहुत आराम से बता रहा हूँ, पीछे आवाज़ जा रही है कि नहीं, पक्का ना, आर यू श्योर? अब मैं एक चीज़ पे और बात करूँगा, आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके नॉलेज पे, आपके इंफॉर्मेशन पे, और आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे, लर्निंग पे, सीखने पे, और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। क्रिएटिविटी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये, हमने अपने लोगों पे, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट के लोगों जो बनवाया है हमने, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस पर भी हमने लिखा हुआ है बी क्रिएटिव, छोटा सा लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, बी क्रिएटिव हमने क्या क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप थोड़ा हटके बनो। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, मेरे चाचा दरोगा हैं ये कहने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, मेरे चाचा दरोगा है कब तक काम चलाओगे, मेरे खालू के 3 बस चलती है, खालू की बस चलती है, आप तो अभी भी आलू निरा रहे हो, अरे तो समझ रहे हो बात ना। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन और अपनी लर्निंग। जैसे एक लोग मुझे बहुत बड़े यूट्यूबर बुलाए थे,
मुझे शौक नहीं है स्टेटस वगैरह लगाना, लेकिन उस दिन मैंने कहा यार दिखाने के लिए लगा देता हूँ, 400-500 लोग स्टेटस व्हाट्सअप का देख लेते हैं, तो मैंने लगा दिया। वो बुलाए थे कि आपसे मुलाकात करना चाहते। अच्छा, वो बुलाए क्यों? वो उनके सब्सक्राइबर, नाम मैं नहीं लूँगा, वीडियो हो सकता है भाई चली जाए तो लोग कहेंगे कि नाम लेते रहते अपने सेशन में, नाम नहीं लूँगा। वो अपने यहाँ बुलाएं, ऑफिस में बैठाएं, खातिरदारी किए, और उन्होंने मुझसे बात कही कि आप हमसे हमारे साथ जुड़ जाइए, जो भी पैसे वैसे की बात हुई वो बात अलग है, लेकिन पॉइंट ये था वो बुलाए क्यों? बुलाए इसलिए क्योंकि क्रिएटिविटी, क्योंकि नॉलेज, क्योंकि कॉन्फिडेंस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लर्निंग। जब आप ये चीज़ लेके जाओगे ना, ये चाचा ओचा से कहने से कुछ काम नहीं चला है, क्लास आप कर रहे हो इससे कुछ काम नहीं चल रहा है, ठीक है, क्लास आप तो आ रहे हो डेली ना, क्लास में आप कितना क्रिएटिव हो, कितना अच्छे स्पीकर हो, कितने अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कितना अच्छा फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, कितना अच्छा एग्जाम आप दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्लास तो सब आ रहे हैं, आप आ रहे हो ना डेली क्लास, आप भी आ रहे हो क्लास डेली, आप भी आ रहे हो, आप भी सब लोग तो आ रहे हैं क्लास डेली, उसमें हटके कौन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जब हमने वहाँ पे इंस्टीट्यूट शुरू किया हैप्पीनेस वाला, तो एक हफ्ता इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई, पुलिस परेशान कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, और पता क्या चला वो आ गए, वो भाई, वो गुंडा, ये दिक्कत होती है थोड़ा सा शुरुआत में, और ख़ासकर मार्टिनगंज जैसे इलाके में दिक्कत हो जाती है, वो तो दिल्ली है, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ये सब चीज़ों को लेकर। तो फिर एक हफ्ता जो है कि मैंने चीज़ों को सहा, उसके बाद अब क्या है, थोड़ा सा मामला लेवल पे आ गया, तो हमें क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, अपने आप को मजबूत करके रखना है। मैं आपको ये पर्सनल चीज़ें कभी नहीं बताता, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमसे छोटे हैं, हमसे बड़े हैं, अभी लाइफ में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग। तो आर यू एक्साइटेड, रेडी? यस सर। तो जोर से बोल दीजिए, यस मैडम जी। आर यू एक्साइटेड? कहाँ से आती हैं आप? नहीं मैडम जी, चितारा महमूद, चितारा तो हमारा ननिहाल है, चितारा कहाँ से आती हैं आप? बिछियापुर। अच्छा, बिछियापुर बगल में, तो उधर क्या बिच्छी रहती है क्या, उधर जो बिछियापुर नाम रखा? अच्छा, तो अच्छा लगता है बिछियापुर में आपको, यहाँ क्लास में अच्छा लगता है? क्या क्या सीखी हैं आप, क्या क्या सीखे हैं यहाँ, क्या सीख रही हैं मतलब आप? ओके, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही हैं, ओके, आप क्या सीख रहे हैं? कंप्यूटर सीख रही हूँ, लर्निंग कंप्यूटर। आप क्या सीख रहे हो? व्हाट आर यू लर्निंग? यू आर लर्निंग स्पीकिंग। हाउ आर यू फीलिंग इन द क्लास? यू आर फीलिंग वेरी फैंटास्टिक। सो डू यू लाइक द क्लासेस? डू यू लाइक द क्लासेस? अब आपकी तो शिकायत थी, चलो आपसे मिलते हैं अभी, राइट? यू ऑल्सो लर्न इंग्लिश? वॉट इज योर बेस्ट टाइमिंग? 9 o'clock, ओके, चलिए फाइन। एक छोटा सा, छोटी सी बात जी, मैडम जी चेयर नहीं है क्या? चल, नारी का सम्मान, आप लोग जब कोई लड़की आए तो लड़के चेयर छोड़ के दे दिया करो, ये बहुत ज़रूरी है, भारत देश की संस्कृति ये कहती है, संस्कृति, संस्कृत नहीं, संस्कृति। और देखो मैं भी अच्छे से सीख रहा हूँ अभी थोड़ा सा। एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, आप जितना ज़्यादा लड़कियों का सम्मान करेंगे, मैं नहीं कि इन लोगों को खुश करने के लिए कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा लड़कियों का सम्मान करेंगे उतने ही ज़्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि लड़कियाँ आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और फॉलोअर सब्सक्राइबर भी जो ज़्यादा होती है ना, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गौर से देखती है। अरे अब्दुल्ला सर की वीडियो आ गई है, देखो तो, मम्मी मम्मी अब्दुल्ला सर वीडियो, लड़के कहते हैं अरे वह अब्दुल्ला तो हटाओ यार, हाँ, और लड़की अरे अब्दुल्ला सर की वीडियो अच्छी वाली आ गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्लास आया, बड़ा देखती हूँ, सबको दिखाती भी है। तो लड़कियों का हमेशा सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हाँ अपने लिए भी, आपको कोई भी बात अगर एक कान लड़के का इधर है, बाईं तरफ लड़के के कान में कह दो, एक काम है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, वो लड़का सुनेगा हाँ यार अब्दुल्ला भाई शादी करने जा रहे हैं, एक इधर लड़की है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, अब लड़की क्या करेगी, पूरा मोहल्ला बांट देगी। तो लड़की जो है प्रचार बहुत अच्छा करती है, राइट? इसीलिए लड़की को अपनी बात जरूर बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग, सही है गलत, राइट? ये चीज़ें होती है लाइफ में, चलिए है ना सही? तो एक छोटी, हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं होता है, होता है, एम आई राइट, सही ना? नहीं, लड़कियाँ नहीं बांटती हैं, बांटती हैं सारी। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो लड़कियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, लड़कियाँ क्या होती हैं, कभी शांत नहीं रह सकती अगर दो आपस में बैठी हो। रूबी मैम सही या गलत? आपकी तो शादी होगी, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, राइट? ठीक, चलिए, तो हंसी मजाक की बात है। जिंदगी में एक छोटी थी, मैं आते आते बस में बैठा था, तो एक शायरी मैंने लिखा, एक सूखे हुए पेड़ को देखा, सूखा है बेचारा, उसकी डाल गिर रही है, पत्तियाँ पूरी झड़ चुकी है, तो मुझे एक चीज़ लिखा मैंने उस वक्त कि जो सूख जाता है, जो सूख जाता है और जो टूट जाता है,
और जो लोगों से रूठ जाता है वो जिंदगी में सबसे छूट जाता है। जो रूठ जाता है और जो सूख जाता है और जो जिंदगी में टूट जाता है वो जिंदगी में सबसे छूट जाता है। इसलिए कभी सूखो मत, कभी बार बार रूठो मत, और कभी बार बार जो है कि अपना टूटो मत अंदर से। एक मैं और चीज़ें बार बार बताता हूँ, दुनिया में आप जितना ज़्यादा आंसू आप दिखाओगे, दुनिया में आप जितना ज़्यादा आंसू दिखाओगे दुनिया और रुलाएगी। इसलिए कभी भी आंसू दिखाने का नहीं, आंसू नहीं दिखाने का, राइट? ओके, गॉट इट, गॉट द पॉइंट? आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आप लोग को सीखने का। अभी ये मोटिवेशन हो गया, अब हम क्यों आए हैं? क्योंकि बार बार मोटिवेशन जरूरी नहीं है, आपके अंदर क्या चीज़ मैं दे रहा हूँ वो जरूरी। अब आते हैं हम लोग सीखने वाले। हाँ, थैंक यू। देखो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और कल मैं स्पीकिंग वालों का क्लास लूँगा एक एक करके बैच बैच में, जितनी बैच चल रही है सारी बैच यहाँ रख दें। ये बैग है या पूरा मोहल्ला है? अरे ठीक, चलिए, वेरी नाइस। आज हम लोग कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पीडी की बात करने वाले हैं। आज हम लोग पीडी का फुल फॉर्म होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आज इसी पे बात करने वाले हैं हम लोग। आज आईक्यू पे बात करने वाले हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट। आज हम बात करने वाले हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं कभी कभी आप लोग से बात करते करते आप लोग को तुरंत हंसा देता हूँ, तुरंत शायरी बना देता हूँ। ऐसा मुकेश सर भी करते हैं, जीतू सर भी करते हैं, जय सर भी करते हैं, और विशाल सर तो तगड़ा वाला करते हैं, अमरजीत सर भी करते हैं, साहिल सर भी करते हैं, सब लोग करते हैं। तो ये कैसे आता है, ये चीज़ कैसे डेवलप होती है, आज उसी पे बात करेंगे, राइट? उसी पे बात करेंगे, माइंड को कितना ज़्यादा खोल के रखें। अभी जो है आप लोग किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने ब्रेन पर फोकस करिए, माइंड पर फोकस करिए, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे बोलूँगा तो आपको बोलना है शी सेल्स, क्या बोलना है? ऐसे बोलूँगा तो क्या बोलना है? शी सेल्स। ऐसे बोलूंगा तो क्या बोलना है? सी शेल्स। और ऐसे बोलूंगा तो क्या बोलना है? ऑन द सी शोर, राइट? और मैं कभी कभी सिंगल भी किसी लड़की लड़के से कह दूंगा तो ध्यान दीजिएगा, शी शेल्स, सी शेल्स, ऑन द सी शोर। जब तक जैसे मेरा हाथ हिलेगा वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मिलाओ आवाज, मिलाओ उंगली के हिसाब से आवाज मिलाओ, एक ही बार हिलाए। कमान, आई क्यू कम है, क्योंकि मैं बार बार बताया था कि ऐसे करूंगा तो अंदर सी शोर बोलना है, कुछ लोग सी सेल्स बोल लेते हैं। इसी पे आज हम काम करेंगे कि किस तरह से अपने माइंड को और एक्टिव किया जाए, राइट? इशारा हुआ है एक लड़की की तरफ, जल्दी आप लोग साइलेंट। अच्छा, अब ऐसे करूंगा तो बोलना है अपना नाम, क्या बोलना है? ऐसे करूंगा तो अपना नाम, ऐसे बोलूंगा तो अपना काम, और ऐसे बोलूंगा तो आपको कितना बदनाम, राइट? ठीक है, ऐसे करूंगा तो अपना नाम, ऐसे करूंगा तो आपका जो है कि काम, और ऐसे करूंगा तो आप हो कितना बदनाम, ये बोलना है। चलो नाम बोलो, बदनाम आप नहीं हो इसीलिए नहीं बोले, सबके लिए ताली बजा दो। जिंदगी में कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, अगर गलत बोलने के लिए कहे कभी भी नहीं बोलने का, क्योंकि आप बदनाम नहीं हो। मैं आपका टीचर भले से हूं, अगर कह दूं कि आपके अपनी बदनामी बताओ तो नहीं बताने का, आप लोगों ने नहीं बताया, एक बार फिर से ताली। इसको बोलते हैं आईक्यू, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। अब सेंस ऑफ ह्यूमर आपका कितना तगड़ा है, चलिए मैं एक एक करके आप लोग से बात करता हूँ। हाय सर, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, यू आर फाइन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सुषमा। ऑलराइट, व्हिच कलर स्वेटर आर यू वेयरिंग? देखना नहीं है, रेड। ओके, हु परचेज्ड इट, किसने खरीदा था, मम्मी और पापा? सर,
मदर, वेरी गुड. व्हाट्स योर मदर नेम? डू यू लव योर मदर? वेरी गुड, वेरी क्यूट. हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ऑल इज वेल. आई एम वेरी गुड. आप जो हाथ मिला रहे हो वो जैसे लग रहा है गुलाब का फूल दे रहे हो, तो हाथ आपको कैसे मिलाना है? हाँ, ये किसान हो ना आप, अरे फार्मर. हाथ कभी भी मिलाने का तो क्या करने का? तगड़ा मिलाने का. हैंडशेक क्या करने का? तगड़ा वाला करने का. राइट, ओके. हाय सर, गुड मॉर्निंग, ऑल इज वेल. गुड मॉर्निंग सर. अरे मिलाओ, कोई बात नहीं, मिला दो, कोई बात नहीं. मिलाओ हाथ, हाथ मिलाने से, हाथ मिलाओ, हाथ काटो मत. ऐसा नहीं यहाँ क्लास किए, अरे यार वो अब्दुल्ला साहब बहुत बकवास करते हैं आके, बाकी यार अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये मत कहना. यहाँ हाथ मिलाओ, यहाँ हमारे साथ गले मिल जाओ, कभी पीठ पीछे बुराई मत करना बस. अरे सामने सब कुछ कह डालो, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ. राइट, तो अब पॉइंट क्या है, देखो ध्यान दीजिएगा. अब हम पीटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज पूरी ओपन रखनी है. बॉडी लैंग्वेज कभी क्लोज नहीं करने का, बॉडी लैंग्वेज हमेशा ओपन करनी है. राइट, आप चलो तो टक 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 टक, बॉडी लैंग्वेज ओपन. आप चलो तो बॉडी लैंग्वेज ओपन, बैठो तो बॉडी लैंग्वेज ओपन, बात करो तो बॉडी लैंग्वेज ओपन. बॉडी लैंग्वेज हमेशा ओपन होनी चाहिए, हमेशा ओपन. कभी इस तरह से नहीं कि ठीक है. बॉडी लैंग्वेज इस तरह से नहीं, इसको बोलते हैं कंजेस्टेड बॉडी लैंग्वेज, इसको बोलते हैं फ्रीज्ड बॉडी लैंग्वेज. इसका मतलब यह है कि आप डरी हो, आप सहमी हो, आप डरे हुए हो, आप अपने आप को खोल नहीं पा रहे हो. बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए? ओपन. अरे आओ बात कर लो मुझसे, आओ देख लो मुझे, आओ मुझसे सवाल पूछ लो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं. बॉडी लैंग्वेज ओपन, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज. हाथ मिलाएंगे तो किसी से कैसे मिलाएंगे? ग्रिप करके, तगड़ा वाला एकदम. राइट, तगड़ा वाला एकदम हाथ मिलाएंगे, सामने वाले को लगे यार कोई फावड़ा चला दिया मेरे हाथ पे. अरे ठीक है, इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए. और दूसरी चीज, जब आप किसी से बात करेंगे तो कम से कम आप जो है कि एक हाथ की डिस्टेंस बनाएंगे, और अगर लड़की है सामने तो थोड़ा सा इतना ज्यादा डिस्टेंस और मेंटेन करेंगे. हमारी भारत की संस्कृति कहती है. कभी कभी देखते हैं कि आप लोग कन्वर्सेशन करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा जो है क्लोज चले जाते हैं. बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा क्लोज मत जाइए. इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश सीखने के बाद माता पिता का पैर भी छूइए. इंग्लिश सीखिए लेकिन बड़ों से गले भी मिलिए. इंग्लिश सीखने का मतलब नहीं इंडियन कल्चर पूरा भूल के आप अंग्रेजी बात कर रहे हो खाली. हाँ, ए कम ऑन, व्हाट्स अप, ए माय वर्ड्स, ओए ठीक है. अंग्रेजी बोल रहे हैं, सब कुछ भूल गए, अपनी संस्कृति खत्म कर दी, अंग्रेज हो गए. इट्स नॉट वेरी गुड, ये अच्छी बात नहीं. तो कब, हमेशा लड़कियों से बात करना है, इतनी डिस्टेंस बना के बात करनी है, चाहे बैठने हैं चाहे खड़े होके. लड़कों से बात करना है, कम से कम इतना डिस्टेंस बना के बात करना है. अब वहीं पे हमारा वेस्टर्न कल्चर क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, कनाडा क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, जितना ज़्यादा आप क्लोज चले जाओगे उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा. जैसे आप वहाँ पे देखते हो, बात करते होंगे, पहले जैसे अवार्ड वगैरह होता है ना, अवार्ड वगैरह होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का आए, हेलो गुड मॉर्निंग, अरे तुरंत एकदम, तुरंत गले वले मिल गए तेरी तो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का. और यहाँ पे अगर किसी लड़की से आप गले मिल गए तो तोड़ डालेंगे, अरे ठीक है, आपकी टांग काट दी जाएगी. और अगर खास कर लड़की के घर वाले भाई और पिताजी देख लिए तो टंगरी तोड़ देंगे तुम्हारी. इसलिए कहावत है कि टू लिव इन रोम, डू एज रोमन्स डू, जैसा देश जैसा देश. नहीं, जैसे आप लोग इस तरह से बैठे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. आप लोग साथ में भी बैठ सकते हैं, बस ये है कि आप लोगों को क्या करना है, हमेशा सम्मान बना के रखना है, इज्जत बना कर. आइए और आगे थोड़ा सा चलते हैं. आप लोग सही, अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलो एक चीज पे बात कर रहे हैं. ये हो गई आपकी एक डायरी, कहाँ गया? हाँ, इधर किसी ने जो है कि चार ठो लाइन बना दी है, पता नहीं क्या है, देख रहे हैं, चार ठो लाइन. अब पेज इससे क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, पेज डिस्टर्ब हुआ ना. अब पेज पे हम कुछ अच्छा लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये चार ठो लाइन क्या कर दी है, खराब कर दिया. ये पेज खाली था, ये पेज क्या था, खाली था. इस पेज पे हम बहुत कुछ अच्छा लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या बना दी यहाँ पे, लाइन. उसी तरह से जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे से थे, आपका दिमाग पूरा खाली था. अब उस दिमाग में क्या भरा गया, इस तरह की लाइन गुजर दी गई, या आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे शब्द डाले गए. अब वो आपकी परवरिश पे, आपकी शिक्षा पे, आपके इल्म पे, आपके ज्ञान पे निर्भर करता है. आपका दिमाग इस तरह से है या आपका दिमाग इस तरह से, आप चाहते हो आज डिसाइड कर लो. ये कुछ लिखा हुआ, कुछ वैल्यूएबल चीज चाहिए और खाली लाइन चाहिए. अगर लाइन की बात करें, कहते हैं जिंदगी में कभी उदास नहीं होते और जिंदगी में कभी निराश नहीं होते. हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना है दोस्त, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके. अब यहाँ थैंक यू, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा है, मिट्टी उट्टी लगी हुई है. यहाँ पे लाइन है, ध्यान से दीजिएगा.
यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है। हमारे ज्योतिषी जी, हमारे पंडित जी, हमारे बहुत से बड़े बूढ़े समझाते हैं कि देख तेरी लकीर क्या है, चांद बना कि नहीं बना, देखते हैं तेरी शादी कब होगी, देखते हैं तू कितना अमीर बनेगा, देखते हैं तू कितना आगे जाएगा, लकीर तुरंत देखते हैं। लेकिन लकीर से पहले भगवान ने, खुदा ने हमारे लकीर से ऊपर 5 उंगली दी है। भगवान खुद कह रहा है पहले मेहनत कर। भगवान क्या कह रहा है? पहले मेहनत। अरे लकीर तो अंदर है, लकीर तो हथेली पर है, हथेली से पहले क्या है? 5 उंगली। इसको पकड़ 50 उठा, इसको पकड़ 25 उठा। अरे लकीर से क्या होता है? लकीर तो फकीर के पास भी है। समझदार ये बात, ये पॉइंट है। हमेशा जब भी लकीरों की बात करना, किस्मत की बात करना, तो ये 5 उंगलियों को देख लेना। मैं बार बार कहता हूं कि लक जो होता है उसमें आपके लक में कितने लेटर्स होते हैं? 4 लेटर। डेस्टिनी में 7 लेटर होता है, हार्डवर्क में 8 लेटर होता है। जब लिखने में मेहनत बड़ी है तो करने में भी हमेशा मेहनत बड़ी होती है, राइट? तो इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए आप। तो ये 5 उंगलियों के लिए तैयार है आप लोग? आर यू रेडी? एकदम शेर वाला पंजा दिखाओ सब लोग, शेर वाला पंजा दिखाओ, शेर वाला पंजा दिखाओ, दिखाओ। चलो ठीक है, दैट्स फाइन। यस जय सर, प्लीज कम। ऑलराइट, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जय सर। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? आई एम वेरी गुड। इज एवरीथिंग गोइंग फैंटास्टिक? ओके, सब चीजें अच्छी चल रही है जिंदगी में। सो व्हाट्स गोइंग नाउ? ऑलराइट, इज एवरीथिंग लाइक गोइंग वेल? या ऑब्वियसली। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? दिस आई एम स्टडीइंग, आई एम टीचिंग। Oh, thank you so much, sir. I'll see you. Thank you. Hi, thank you. Hi, good morning, sir. Good morning, sir. How are you? I'm fine, and you? I'm good. All is well? Yes, sir. Well. Fantastic. Yes, sir. Yes. Yes. आपके अंदर हल्का सा डर है? Yes. है ना? Yes. अब्दुल्ला सर से हाथ मिला रहे हैं, डर लग रहा है कहीं उनका हाथ जो है कहीं अमेरिका से बन के आया हो, है ना? अमेरिका से बन के आया हो, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं तो अमेरिका से बन के आया हो। फिर से उधर से। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? चेहरे की मुस्कान को सही करो। फिर से आओ। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। फिर झूठी मुस्कान है। फिर से आओ। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फिर से आओ। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मुस्कान दो तरह की होती है, एक तो होता है हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, राइट? ये वाली कब आती है मालूम है? जब झूठे मुस्कुरा रहे हैं, डर है या तो अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? ठीक है, आपको बुलाया गया था पार्टी में, शादी में, वहां बताया गया था कि हनी सिंह का गाना बजेगा एकदम बादशाह वाला, और पता का चला बिरहा लगा दिया। ओ सैया, अब आदमी परेशान है, तो आपसे जब पूछा जाएगा हाउ आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? एक बार फिर। हाउ आर यू? ऑल इज वेल? प्लीज, थैंक यू। एक तो हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ध्यान दीजिएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक तो हमने जान लिया कि बॉडी लैंग्वेज हमारी ओपन होनी चाहिए, दूसरा हमारा ग्रिपिंग सही से होना चाहिए, तीसरा मैं आपको बात करूं, तीसरा मैंने लाइन पे बता दिया आपको किस तरह से आपको लाइन ध्यान से देनी है, ध्यान देना है। अब मैं आता हूं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ही बात करूंगा। एक मेरे पास बुक है, काफ़ी फटी है, मैनेजमेंट थॉट्स, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे इस तरह से ध्यान देंगे। एक, चलिए मेरा पेज खुल गया। आई स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड अराउंड द वर्ल्ड। जो मुस्कान होती है वो पूरी दुनिया में सबको समझ में आ जाती है। पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं हैं? 6500। कितनी भाषाएं हैं? 6500। कितनी भाषाएं हैं? 6500। भारत में रजिस्टर्ड लैंग्वेज कितनी है? 22। भारत में रजिस्टर्ड लैंग्वेज कितनी है? 22। एक अकेडमी, एक जो है कि संगठन है जो भाषा संगम करके है, वो 44 लैंग्वेज सिखा रहे हैं भारत में, हर स्कूल में जाके 44 लैंग्वेज। और हम लोग कितनी लैंग्वेज जानते हैं? मैं 12 22 लैंग्वेज आप जानती हैं मैम? अरे बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे सीखूंगा, आई विल लर्न फ्रॉम यू। हमारे भारत देश में 22 लैंग्वेज रजिस्टर्ड लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में 6500 लैंग्वेज है, और 7.5 बिलियन, 750 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी पॉपुलेशन है, 127 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं। 127 करोड़ लोग क्या है? इंग्लिश बोलते हैं, उसी पे वहीं पे चाइनीज बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अब एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा,
कोई भी भाषा आपको नहीं आती हो, कुछ भी नहीं आता हो, मुस्कुरा दो, सब समझ जाएंगे। कनकड़ पिंती अभी कनकड़ पिंती क्या है? कोई भाषा नहीं, मैं अपने से बोल रहा हूं, लेकिन जो इसके पीछे मुस्कान निकल रही है वो सबको समझ। कनकड़ पिंती अनकले चेना कनकड़ पिंती अनकले सोशी, अरे जाने जितने भी वर्ड्स हैं, कोई भाषा नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन इसके पीछे जो आपका भाव निकल रहा है, आपने पढ़ा है ना रस अलंकार, रस अलंकार हिंदी में पढ़ा है ना, तो रस अलंकार, छंद अलंकार नहीं, रस अलंकार पे काम करना है, तो रस निकालो। अनकड़े पिंती, ठीक है बोलो सब लोग, अनकड़े पिंती बोलो, ऐसे ऐसे करके दोनों हाथ, अनकड़े पिंती बोलो, भाषा आ रही समझ में? अनकड़ा पिंती का मतलब गुड मॉर्निंग, अनकड़ा पिंती का मतलब आज हैप्पीनेस ने एक नया शब्द लॉन्च किया डिक्शनरी में, अनकड़ा पिंती। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको अपने भाव पे, अपने एक्सप्रेशन पे हमेशा ध्यान देना है, राइट। अब देखो एक चीज, ये तो हो गया हमारा मुस्कान, स्माइल। आप अगर डायरी वरी लियो तो नोट करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी नोट करते जाना आपका। मान लो एक तरह का क्लास ही, इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको, मेरे यहाँ एक एडमिशन हुआ दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने आया वो लड़का, लड़कियों को इंग्लिश आ रही पूरी, मेरे सामने बैठा फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, और अच्छा खासा है, अमीर घर से है, अच्छा दिख रहा है, बड़ा लड़का दिख रहा है, और उसकी पता नहीं क्या मतलब बिजनेस वगैरह चल रहा है। मैंने कहा यार इसको मैं सिखाऊंगा या मुझे सिखाएगा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, वैल्यू तो मेरे में है, तो ये मुझे क्यों सिखाएगा। तो मैंने कहा ठीक, आज तू एडमिशन ले, चल तुझे मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास मैं कराऊंगा। तो उस वक्त मैंने ठान लिया कि चलो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी क्लास हम देंगे, और मार्टिनगंज में तो हम इतना कुछ सिखा देंगे कि दिल्ली हो या मुंबई हो या बैंगलोर हो, मार्टिनगंज वाले हमेशा सबसे आगे रहेंगे। एक कमी आ रही है आप लोग के अंदर, आप लोग के अंदर जुनून है, सीखने की ललक है, चाहत है, एक कमी आ रही है, आप लोग अपडेट अपने आप को बहुत कम कर रहे हो, आप लोग ना चीज़ों को लेके बंद कर दे रहे हो, वही सबसे बड़ी। कोई भी शहर का लड़का, इंस्टीट्यूट मेरा दिल्ली में भी चल रहा है, दिल्ली वाले भी वीडियो देखते हैं, कोई भी शहर का लड़का किसी गांव वाले को नहीं हरा सकता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल पार्क में जो मैंने सेशन किया, आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं देखा, हैप्पीनेस जो हमने प्रोग्राम किया, आज तक का इतिहास है, वहाँ पे प्राइवेट बोर्ड नहीं लगा था पूरे मैदान में, पूरे प्राइवेट बोर्ड किसी का, किसी कोचिंग वाले की तो बात मत करो, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नहीं लगा था वहाँ पे, हमने लगा के दिखाया, सबके सामने चिल्लवा के दिखाया अपने लड़कों को, सबके सामने ये बताया कि हम हैप्पीनेस हैं, वी आर फ्रॉम हैप्पीनेस, राइट। तो इस चीज को समझना है कि आप लोग बस थोड़ा अपने आप को अपडेट करना चालू कर दो, अपडेट करना है, सीखना है चीज़ें, नई नई चीज़ें लेना है, और जो चीज़ें बताई जा रही जैसे ओपन बॉडी लैंग्वेज है, वॉकिंग स्टाइल, इसको फॉलो करना सीखो, मजाक में मत लो। तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, और कुछ पॉइंट आपको मैं शेयर कर रहा था। तो क्या हो गया नया वर्ड हमारा, अनकड़ा पिंती, क्या हो गया अनकड़ा। एक किताब और है मेरे पास, द सीक्रेट, सबके पास सीक्रेट है, कोई ना कोई सीक्रेट है, पक्का है ना सीक्रेट, सीक्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, सीक्रेट है, हाँ कहेंगे हाँ सर सीक्रेट है, जो व्हाट्सएप पे चैटिंग किए थे उसको छुपा दिए सर, यही हमारा सीक्रेट है, राइट। वो जो सेल्फी लिए थे उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सीक्रेट का मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज हो जो हटके है, और जिसको आप मानते हो कि यार ये मेरा जबरदस्त चीज है, मेरे सीखने का। जैसे मैं जय सर के साथ भी रहा हूँ, जीतू सर के साथ भी रहा हूँ, विशाल सर के साथ एक लॉकडाउन में पूरा था, और मुकेश सर के साथ तो हम लोग साथ में खाए हैं, साथ में सोए हैं, और जो है कि साथ में रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, पॉइंट क्या है, हाँ उसको अलग शब्द में मत लेना, साथ में रहें, साथ में खाएं, साथ में सोए, उसको अलग वर्ड में मत लेना, ठीक है। तो हम लोग साथ में ज़्यादा रहें, मतलब 24 घंटा साथ में रहें। अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये लोग कभी भी ये नहीं पता पाते, अरे सर आप पढ़ते कब हैं, विशाल सर से सवाल पूछ लीजिए, ये बार बार पूरे लॉकडाउन में 2 महीना परेशान थे, मैं मस्ती करता था, गाना सुन रहा हूँ, पढ़ता ही नहीं। तो विशाल सर पूछ रहे हैं सर पढ़ते कब आते हैं, तो मैं कहा पढ़ता ही तो मैं नहीं हूँ, यही तो मेरा सीक्रेट है,
पढ़ता ही तो मैं नहीं हूं और मुझे आता है। आप कहेंगे वो कैसे, वही तो वो कैसे, यही पॉइंट है। मैं पढ़ता जब हूं जब पढ़ देता हूं, मैं पढ़ता जब हूं जब पढ़ देता हूं, मैं पढ़ता तब नहीं हूं जब मैं पढ़ता हूं। आप कहेंगे ये क्या है, जब मैं पढ़ता तब हूं जब मैं पढ़ देता हूं, और मैं पढ़ता तब नहीं हूं जब मैं पढ़ता हूं। क्योंकि पढ़ने में और पढ़ देने में अंतर है। पढ़ने का मतलब ये पढ़ना है, और पढ़ देना क्या है? ये पढ़ देना है। तो पढ़ देना है या पढ़ना है? राइट, क्या करना है? क्या करना है? पढ़ देना है। पढ़ना नहीं है, क्या कर देना है? पढ़ देना है। यही अंतर हो सकता है मेरे और आपके बीच में हो, ये छोटा सा अंतर बता रहा हूं। तो आज से आप लोग क्या करोगे? पढ़ देना, राइट। अगर मैं इस वर्ड पे लेक्चर देना चाहूं, आप कहीं शाम करवा दूंगा, आपको सुला दूंगा, ही नींद आ जाएगी आपको। सीक्रेट पे अगर मैं आपको बताना चाहूं बहुत सारी चीजें, तो मैं आपकी रात ही करवा दूंगा बताते बताते, क्योंकि क्या हमें पढ़ता नहीं हूं, क्या कर देता हूं, राइट। चलो, क्या हो गया हमारा, अब हो गया हमारा पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें। चलिए एक बार सब लोग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश, आर यू एक्साइटेड, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स दिस टीचर नेम, व्हाट्स दिस टीचर नेम, व्हाट्स दिस गर्ल नेम, व्हाट्स दिस गाय नेम, व्हाट इज आवर गॉड नेम, व्हाट इज आवर गॉड नेम, आप बोल दो। गॉड सबके अलग अलग हैं, तो गणेश जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, अल्लाह भी हैं, वाहे गुरु भी हैं, और जीसस भी हैं। तो सबका अपना अपना मानना है, लेकिन सब लोग की एक ही मंजिल है, गॉड जो सिखा रहे। चलो, पॉइंट आ गया समझ में, आई कॉन्टेक्ट समझ में आया, बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गई, बोलने का स्टाइल समझ में आ गया। चलो एक, अब बोलने वाला, इसमें कुछ लोग कोचिंग वाले भी बैठे हैं, तो आप लोग सीखते रहो, आप लोग भी सीखो, आप लोग के लिए भी काम आएगा। और कंप्यूटर वाले भी बैठे हैं, आप लोग भी सीखो, सबको काम आएगा। पहली बात तो हमारी एक चीज़, जब स्पीच हम शुरू कर रहे हैं, तो हमारी स्पीच शुरुआत कैसी होनी चाहिए? अलग। कैसे होनी चाहिए? अलग। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से नहीं। Thousands of the people get failures and rejections in this life, my dear friends. And today I'm going to talk about the struggle. Good morning, sir, and good morning, my dear friends. My topic is about struggle. Struggle is very important in life, because in starting time, people will reject you, people will comment you, people will criticize you, people will make you failures, they will do you down, and they will call you, excuse me, what the hell you are doing, you can never succeed in your life, but you promise to yourself that yes, one day I will achieve, one day I will receive, one day I will get, one day I will show to this world that yes, I am achievable and I can achieve whatever I want, I can do in my life. This is about struggle, ladies and gentlemen. So this is the हाँ, तो मैं बात कर रहा था, I was talking about कि स्पीच देने पे, I was talking about giving speech। आप लोग ठीक है ना? अच्छा, ठीक है मतलब ना, ठीक है। आज मैं इंटरटेनमेंट नहीं किया ना, तो आप लोग को लग रहा होगा कि आज खाली बातें कर रहे हैं, खाली पढ़ा रहे हैं। इंटरटेनमेंट आजकल मैं थोड़ा कम कर दिया हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ज्ञान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार लोग सोचते होंगे खाली गणवेद गाते हैं, अरे लेकिन कभी कभी गाना भी गाना जो है कि बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों को रिफ्रेशमेंट करने के लिए, राइट। तो चलिए पहले हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं, गाना तो एक अलग चीज़ है, कभी भी गा देंगे। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट गिविंग स्पीच, मैं स्पीच पे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, जब आप स्पीच देते हो ना, तो आपकी सिर्फ आपके शब्द पे ध्यान नहीं दिया जाता, आपकी ओवरऑल बॉडी पे ध्यान दिया जाता है, आपके बोलने के अंदाज पे ध्यान दिया जाता है, आपके हाथ पे ध्यान दिया जाता है, आपकी सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, आप कैसे चल रहे हैं उस पे ध्यान दिया जाता है, आप कैसे बैठ रहे हैं उस पे ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप हमेशा एकदम पंक्चुअल रखेंगे, एकदम क्रिएटिव तरीके से रखेंगे, राइट। तो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू नो अबाउट एजुकेशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, राइट। सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू यू थिंक दैट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? डू यू थिंक दैट शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है? क्या आपको लगता है शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है? क्या आपको लगता है शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है? क्या आपको भी लगता है शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है? आपको लगता है मैम शिक्षा ज़रूरी है?
क्या आपको लगता है शिक्षा जरूरी? इस 7 लोगों से जिसने जिससे जिससे मैंने सवाल किया, ये लोग मेरी स्पीच इतना गौर से सुनेंगे, इतना गौर से सुनेंगे कि इनके जैसी स्पीच मेरी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने इनसे क्या किया, सवाल किया, मैंने इनसे क्या की, बात की। अगर मैं ये इनसे ये कभी नहीं भूलेंगे, ये कभी भूल सकते हैं नहीं, अरे अब्दुल्ला सर आए, मुझसे हाथ मिलाए और मुझसे बात किए। तो कभी भी जब अपनी स्पीच देने का, जब कोई भी बात करने का, या आप टीचर भी बन गए, मान लीजिए टीचर हैं आप, तो टीचर दो तरह का होता है। एक आया तो हम लोग कल जो है कि उसकी बात किए थे, अरे नर्वस सिस्टम की बात किए थे। तो आज एक काम करो, हम लोग नर्वस सिस्टम, अरे आज हम लोग बात करते हैं NaCl की, K2SO4 की, और हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है हीलियम की, एथेन की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं राइट, और हाइलोजन की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं बहुत सारी, मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस तरह की आप बात चालू कर दिए, लेकिन आप लोग से और टीचर से कोई कनेक्शन हुआ, इंगेजमेंट हुई, तो जब भी आप जो भी बनिएगा क्या करिएगा, इंगेजमेंट पहले करिएगा, सगाई वाली नहीं अंगूठी पहना के, इंगेजमेंट पहले करें। मैं डॉक्टर बन गया, ए डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब मरीज यहाँ बैठा हूँ, मरीज ए मरीज जो है ये जो है बहुत दिनों से बीमार है, बुखार चल रहा है, अरे ख्याल चल ठीक है सब, कैसे हो ठीक ना, अरे संतरा का जूस वूस ले रहे हो, अच्छा चल रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, पहले मुस्कुरा दिया, जो मरीज मुस्कुरा दिया उसकी आधी बीमारी खत्म। पहले मुस्कुराओ, पहले क्या करो, हंसाओ। स्टूडेंट है जो हंस दिया उसका दिमाग खुल गया, किसान है जो हंस दिया उसका बीज, उसका जो बीज है, उसका जो फल है वो और तेजी से उगने लगेगा, किसान हंस रहा है। धान को, धान आपने बैठाया जरी, हम लोग भी लहसुन बैठाते थे, प्याज बैठाते थे, तो मैं कभी मुस्कुरा कर नहीं बैठाया, और जब जब नहीं मुस्कुराया तब तक मेरा लहसुन जर गया, खराब हो गया, काला हो गया, बता रहा हूँ। जब जब मैंने लहसुन को, जिस जिस लहसुन को गाढ़ा, मुस्कुरा के नहीं गाढ़ा, मैं बता रहा हूँ लहसुन पूरा काला हो गया। इसलिए मुस्कुराना बहुत ज़्यादा क्या है राइट, मुस्कुराना क्या है, तो मुस्कुराइए सब लोग, मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए, एवरीबॉडी कम ऑन कीप ऑन स्माइलिंग, मुस्कुराइए एक मिनट तक कम से कम, कम ऑन हंसिए, बहुत एक्साइटेड है, बहुत बुलाया जाए मुझको, एक बार हा ठहाका लगा के हंस दीजिए, हंसिए हंसिए, जब आप हंसे तो ये दोनों गाल आपका ना पूरा एकदम लगना चाहिए, इसमें मुस्कान है, हंसिए हंसिए सर, झूठी मुस्कान। कभी जब चालू होता है खिर 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 खिर, इंजन देखो कभी चालू होता है, अब चालू हो रहा है, पहले वो क्या कर रहा है, अपने आप को हंसा रहा है, ठीक 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 ठीक, इंजन ट्रैक्टर गाड़ी सब हंसते हैं पहले, फिर जाकर अपना काम करते हैं। आप तो इंसान हो, आप क्या करोगे, हंसोगे, पहले क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, रात में सोते हुए क्या करना है, ठीक है, हंसना है, हंसना है बिल्कुल, क्योंकि हंसोगे तो ज़्यादा सही रहेगा राइट। चलो ये तो पॉइंट हो गया, मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं पर्सनैलिटी पे बात कर रहा हूँ, आप लोग को इंगेज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बीच बीच में सवाल भी करते रहें, क्लास है ये, मोटिवेशन कोई नहीं है, क्लास है, आप सवाल करते रहो अपना, मैं आपको बताता चलूँ, सवाल करते रहो, इंगेजमेंट ज़्यादा बनेगा राइट, आपस में एक तालमेल ज़्यादा बनेगा, सवाल करते रहिए आप लोग राइट, सवाल करते रहो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल, बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड और ओपन, बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड और ओपन, लूज हैंडशेक और टाइट हैंडशेक, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट स्टेयर नहीं करना, घूरना नहीं है, नहीं तो योगी जी एंटी रोमियो स्क्वाड लगा देंगे और जेल में डाल देंगे। यही हम लोग जो है बड़गान में पोस्टर लगा रहे थे, वही विद्यालय है उसी के सामने बैनर लगा रहे थे, अब पता क्या चला मामा के लड़का लड़की जा रहे थे भाई बहन साथ में, अब पुलिस वाले लगे पीटने, सर आप थे नहीं, आप नहीं थे, हम कहे अरे यार बड़ा गड़बड़ हुआ, तो हम पुलिस वाले हम नहीं गए पहले, वो लोग खुद गए, हम लोग मामा मामा ही मसला ये है, पीटे पहले, उसके बाद जब घर वाले आए कहें लोग भाई बहन है यार, लोग जा रहे हैं रिश्तेदारी, तब जाके पुलिस वाले छोड़े। जब बीच बीच में चला था एंटी रोमियो स्क्वायर, 30 सेकंड तक अगर आप जो है कि घूर कर लड़की को देख लिए
राइट, ठीक है, तो क्या होगी आपकी पिटाई। ये तो खैर एक पॉइंट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं वही उसी पे बात कर रहा हूँ, आई कॉन्टैक्ट पे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाय कैसे हैं आप, अच्छे हैं, अच्छा आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, अच्छा आप कैसे हैं, कैसे हैं मैम आप, फाइन। आँखें जो चुराता है वो चोर कहलाता है। आँखों को क्या करना है, मिलाना है। हाय प्रियंका, प्रियंका कैसी हो, मम्मी कैसी है, आँख आँख झपकाना भी है, आँख को एकदम ऐसे नहीं रखना है। कैसी हो, ठीक ठाक सर, मम्मी कैसी है, योर मदर इज फाइन, इज एवरीथिंग ओके एट योर होम, ओके दैट्स नाइस गुड, आर यू स्टडिंग प्रॉपरली, पढ़ाई चल रही है ठीक है, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी, वेल वेरी नाइस, हाउ इज योर फैमिली, जीतू सर प्लीज कम, हाय सर गुड मॉर्निंग सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ऑल राइट आई एम वेरी गुड सर, व्हाट डू यू वांट अबाउट दीज स्टूडेंट्स, लाइक हाउ आर देयर परफॉर्मेंस, हाउ आर दे, एक्चुअली नाउ इज दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर डूइंग समथिंग वेल, बट लेट्स सी दैट व्हाट विल दे डू इन द फ्यूचर एक्जेक्टली, बट दे आर समथिंग स्टार्टेड अप कमिंग बिकॉज़ वी हैव मोटिवेटेड इंस्पायर्ड देम एंड दे आर रेडी टू डू समथिंग स्पेशल आई थिंक, दैट्स इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट, सो शुड आई होप गुड रिजल्ट फ्रॉम देम, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, थैंk you so much, thank you, all right, जब बात कर रहे थे जीतू सर हमसे तो देखे थे आप कैसे बात कर रहे थे, कैसे या सर दे आर वेट वेल ऑलराइट, सो दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे लेट्स सी दैट ऑलराइट दे कैन ट्रांसफॉर्म, ये होता है एक इंटेलेक्चुअल बंदे की इंसान पहचान। अब अच्छा अब क्या हो गया, ऐसे नहीं इंटेलेक्चुअल बनो, क्या करना है, हाथ को हमेशा हमेशा ओपन रखना है, हाथ को कभी फोल्ड नहीं रखने का, जितना ज़्यादा आप बॉडी को फोल्ड रखोगे क्या करना है, ओपन, सब लोग ओपन करो, खड़े हो जाओ, राइट, पैर कभी भी सटा के नहीं खड़े होना है, पैर सटा नहीं होना चाहिए, लड़कियों का ज्यादातर पैर सट जाता है, अच्छा बीच में हो है, चलो कोई बात नहीं, पैर में हमेशा गैप होना चाहिए, राइट, आर यू रेडी, रेडी, हाय एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, देखो जब ये आपका दोनों हाथ जाएगा, कभी भी हाथ ऐसे नहीं जाएगा, हाथ ऐसे नहीं जाएगा, हथेली खुल के ऐसे ऊपर जाएगी, जब भी आप गुड मॉर्निंग कहोगे वो आपके पब्लिक डिसाइड करेगी कि आपकी पब्लिक कितनी है, पब्लिक कितनी है, पब्लिक इतनी है तो आपको हाथ इतने ही ले जाना है, पब्लिक पूरा मैदान भर गया तो हाथ को पूरा ले जाना है, राइट, अब आप ध्यान दीजिएगा पब्लिक के हिसाब से, हाय एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, ये मेरा हो गया लड़की की तरफ ए कॉलम की तरफ, ये मेरा हो गया लड़कों की तरफ ये कॉलम, हाय एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, देखो हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, आई एम फाइन, आई एम फाइन, हाउ आर यू, हाउ आर यू, यू टेल, यू टेल, जब भी किसी की तरफ इशारा करने का तो तीन उंगली पकड़ के करने का, या पांच उंगली पकड़ के करने का, या हाथ से ऐसे करने का, तीन उंगली पकड़ के करने का, पांच उंगली पकड़ के करने का, या हाथ को ऐसे करके करने का, कभी ऐसे करके नहीं, राइट, ओके, हाउ आर यू, हाउ आर यू, मेरी तरफ भी करो, जब मैं आपकी तरफ कर रहा हूं मेरी तरफ आप लोग करो, मेरी तरफ आप लोग, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, एंड यू, एंड यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हे कैपी हाउ आर यू, हे टोपी वाले हाउ आर यू, हे टोपी, आप देखिए टोपी जी कहाँ खड़े हैं, एकदम पीछे, उनकी तरफ आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, राइट, हाय गुड मॉर्निंग, आप देखिए मेरा इनसे कैसा हुआ, हाय गुड मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग, हॉल के हिसाब से आवाज आपकी बढ़ जाएगी, इसी को बोलते हैं टोनैलिटी, बैठ जाइए, एक छोटी सी चीज, थैंक यू, थैंक यू सो मच, पॉइंट को आप एक एक करके नोट करते चलिएगा, जहां भी जैसे भी रखना है, एक तो टीचर आए वो इतनी तेजी तेजी से पढ़ा रहे थे, एक लड़की बैठी थी मात्र दोपहर में, एक लड़की, देखो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है
मैं कहा यार बस कर, मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? फिर कह रहे ये जो NaCl काटता है पेट में HCl, बस करो बस करो बस करो। फिर कह रहे जो हमारा हमारा जो रक्त ब्रेन में जो जाता है, फिर मैं कहा यार आप ध्यान दीजिएगा, हम ऑफिस में बैठ के हम कितना सोच रहे थे, सोचो लड़की का क्या हुआ होगा। अरे इसलिए कभी भी अपनी आवाज़ हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखने का, राइट, चिल्लाने का नहीं। पिछले बार सेशन में मैं कितनी तेज तेज चिल्ला रहा था, मैं खुद जब वीडियो देखा तो मैं कहा इतनी तेज चिल्ला रहा हूँ, लेकिन भीड़ थी, चिल्लाना पड़ा था। आज मैं आराम से बात कर रहा हूँ, राइट। तो चिल्लाना कभी भी ज़्यादा नहीं है लाइफ में, बहुत प्यार से बात करनी, प्यार से बातें ज़्यादा समझ में आती है। गॉट दिस पॉइंट? चिल्ला के नहीं। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? कंप्यूटर कौन सा कोर्स कर रहे हैं? विच कोर्स है? टैली कर रहे हैं। तो टैली में आप बताएंगे कि एक्सेल इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है? ERP 9 कर रहे हैं, GST कर रहे हैं? ERP 9 कर रहे हैं, तो GST भी इंक्लूड है उसमें? GST कर रहे हैं तो ठीक है। GST का फुल फॉर्म बताएंगे आप? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, ट्रक के सामने क्या लिखा रहता है? ट्रक के सामने क्या लिखा रहता है कभी आपने देखा? ट्रक के सामने आपने देखा कभी? गुड्स कैरियर, सामान ढोने वाला। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कैरी वर्ड इंसान के लिए भी यूज करते हैं। सर टुमारो आई विल कैरी माई ग्रैंड मदर, कल मैं अपनी दादी माँ को लिवा के जाऊंगा। इसका मतलब आपकी दादी माँ क्या लाश बन चुकी है? नहीं, देखो गलत लग सकता है आपको, ये शब्द गलत है, लेकिन आप जब शब्द गलत बोलोगे तो उसका मतलब भी हमेशा गलत आएगा। कैरी का मतलब होता है ऐसे पकड़ के थैली में रख के ऐसे करके ले जाना। तो कभी भी इंसान को कभी कैरी वर्ड मत यूज करना, राइट। कैरी वर्ड कभी मत, उनके लिए क्या यूज करना है? टेक। क्या यूज करना है? चलो आप आ जाओ, यू कम, आप आ जाओ, आप लोग मिलो, बात करो कुछ, टॉक। उधर 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 से आप आओ, उधर से, हाँ आप इधर आ जाओ, आप उधर चलो। देखो जो आप लोग हाथ मिला रहे हो वो शादी उदी में नहीं मिलाया जाता है नॉर्मली, जैसे आदमी गया हे हेलो चलो खाना खा लो, अरे कैसे हो, ठीक है। आप लोग क्या है? स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं या आप आगे सिखा रहे हैं? फर्म हैंडशेक करो, फर्म करो, फर्म करो, फर्म हैंडशेक, फर्म हैंडशेक करो। नहीं, आपका हाथ बहुत लूज जा रहा है, आप फर्म करो, फर्म करो, फर्म हैंडशेक करो। हाथ आप लोग मिलाते नहीं होंगे ना, मुझे पता है, लड़कियां से आप लोग हाथ मिलाते हो जाते हो जब? नहीं मिलाते ना, कोई बात नहीं, फर्म करो, थोड़ा फर्म करो और हाथ को फर्म करो। फर्म नहीं हो पा रहा है, ज्योति मैम एंड यू, ज्योति मैम प्लीज कम, यू, चलो आप लोग दिखाओ फर्म कर पा रहे हो आप लोग। कट कुट, हाथ इन लोग का कैसे मिला है? कट कुट, हाथ जब भी मिलाएंगे इतनी डिस्टेंस बनाएंगे कि हाथ पूरा फर्म तरीके से दिखे। आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जा रहे हैं हाथ में, तो यही हेजिटेशन खत्म करना है, यही तो खत्म करना है हेजिटेशन। क्या करना है? हाथ को क्या करना है? फर्म रखना है, फर्म। मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं पीछे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ये कैमरे की वजह। चलो पीछे भी पहुंचते, टेंशन मत लो। हाय, नहीं नो प्रॉब्लम, हाँ हाय, गुड मॉर्निंग, और हाथ टाइट करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपको झुकाना नहीं, आपको देखना, हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, ओके, आई एम ग्रेट, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ऑलराइट, आई एम वेरी गुड, इज एवरीथिंग गोइंग फैंटास्टिक?
Hi, good morning. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning. Oh, okay. Hi, good morning. Good morning. All right. Hi, good morning. Good morning. Hi, good morning. Good morning. All right. I'm fine. Hi, good morning. Hi, good morning. All right. All right. Hi, good morning. Hi, good morning. Sunny Singer, good morning. Good morning, sir. How are you? Good morning. Hi, good morning. Good morning, sir. All right. Hi, namaskar, ma'am. Hi, namaskar. Kaise hain aap? What's your name? Zor se boliye. Anshul. Anju. Anju. What's your name? What's your name? Aarti. Where are you coming from? I come from Kusma. You come from Kusma. How is the Kusma? Kusma is good place or not? Good place. How are you? What's your name? My name is Neelu. Neelu. All right. Neelu. So do you eat pilu? Yes. Right. You eat pilu. Okay. You know, pilu is called, you know. Pilu, pilu, you don't know? Mango, mango. No, mango. Actually, Neelu you are, na? Yes. So I said that, do you eat mango? Pilu, yes. Pilu, mango. Okay, I eat. Hi, good morning. Good morning. What's your name? My name is Shalini. Shalini, where are you from? I come from. Okay, so Roshni ma'am, are you learning English? Yes, sir. Are you learning English? Yes. How are you feeling here in the class? I am feeling good. Are you feeling good? No any problem? No. Are you feeling okay? Yes. Are you feeling comfortable? Yes. All right, chalo. Let me pick someone. You learn English? Coaching. Coaching. Do you learn English? Yes, sir. Yes. How many days have you completed? Kitna din hua aapka? 25 days. Chalo. Come on. Come. Okay, put your hands together for... what's your name? My name is Ruby. Ruby ji, please. Introduce about you. Apna introduction dijiye. गलत बात अभी मैंने बताया क्या बताया हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बोलना है बोलिए आप गुड मॉर्निंग टीचर्स हाँ बोलिए गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स आपके डियर फ्रेंड्स यही हैं मतलब ये बकरी चराने वाले ठीक है दोनों तरफ गुड मॉर्निंग टीचर्स गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स हाथ को खोलना है हाथ को ओपन रखना है मैंने बार बार बोला ओपन बॉडी लैंग्वेज डरना नहीं है पैर में डिस्टेंस बनाना है हाथ को ओपन रखना है फिर बोलना है बोलिए हाउ आर यू जब आपका हाथ रुकेगा तो हाथ यहाँ नहीं रुकेगा हाथ यहाँ नहीं आएगा हाथ ऐसे नहीं जाएगा हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी मेरी आपको नकल करनी है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप बोलिए राइट आप उधर जाएंगे मैं इधर जाऊँ Hi, good morning, everybody. चलिए बोलिए. Hi, good morning, everybody. फिर से आइए, फिर से बोलिए, फिर से आइए, फिर से बोलिए. Hi, good morning. आराम. Hi, good morning, everybody. Hi, good morning, everybody. How are you all? How are you all? I'm very good. I'm very good. Do you know? Do you know? जिसकी तरफ उंगली करेंगे उसको आँख में आँख देखें डू यू नो व्हाट्स माय नेम अब आपको हल्का सा पीछे आना मुझे देखो आप मेरी नकल को व्हाट्स माय नेम पीछे आना है पीछे आना आगे नहीं पीछे व्हाट्स माय नेम माय नेम इज अब्दुल्ला लेडीज एंड जेंटलमैन खुलो और ओपन करो हाथ को लेडीज एंड जेंटलमैन Today, ऐसे बोलना है today, today नहीं today, 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 I'm here. ऐसे हाथ को ऊपर ले जाना है फिर बोलना I'm here. हाथ को वहीं से नहीं I'm here. Right. I'm here. On this stage. आप देखो स्टेज जो आपका मजबूत है उसको उंगली से इशारा कर सकते हो क्योंकि आपका इंसान नहीं है इंसान को उंगली से नहीं करना है स्टेज को करना है अपनी काबिलियत को उंगली से निशाना करना है अपनी लिखी हुई बात को उंगली से निशाना करना है इंसान को उंगली से नहीं करना है बस इन सॉरी क्या बोल रहा था मैं हाँ ऑन दिस स्टेज ऑन नहीं बोलना ऑन बोलना मुंह गोल करके बोलना ऑन ऑन दिस स्टेज सो गाइस
सो गाइस, आप नहीं आ पा रहे हो, सो गाइस, आई एम फैंटास्टिक, आई एम फैंटास्टिक, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन. चलो आ जाओ. यू डियर, कम, व्हाट्स योर नेम आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? नाजिम, कम. ओके, स्पीकिंग इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश? हाउ मेनी डेज हैव यू कंप्लीटेड? 2 months. 2 months यू हैव कंप्लीटेड, वेरी गुड. ओके, वेयर डू यू कम फ्रॉम? यू कम फ्रॉम माय विलेज, दैट्स ग्रेट. डू यू नो मी? व्हाट्स माय नेम? माय नेम इज शीला. All right, very good. In which class do you study? Sir, 6. In class 6, very good. So you have to copy me, right? You are going to copy me. Yes. Fine? Yes. All is well? Yes. That's correct. अभी देखो तो, ये जो मैंने यहाँ पे ये किया है, कभी भी स्टेज पे लोगों के सामने ये चीज नहीं करने का, right? हमेशा कोई भी चीज अपने आप में नहीं करने का. चलो, right? 1, 2, 3. हाँ. संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है. जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, खुल के बोलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम हियर ऑन दिस स्टेज टू टॉक अबाउट myself, my education, my profession, my motivation, my motivation. You understand? इधर इशारा करो, मैं लड़के की तरफ ना, आप लड़के. Do you understand? फिर से एक दूसरे के पीछे, दूसरे के आगे जाओ. Do you understand? Yes, sir. Do you all understand? Do you all understand? I am confident. I promise myself. I promise myself. One day will come. I will be an effective speaker. I will be an effective speaker. I will be an effective speaker. I will be effective. Effective speaker. I will be effective speaker. चलो, अब मैं आपके पीछे बोल रहा हूँ. आप चीजों को बोलोगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं है. जो जो मैं कान में बोलूंगा वही वही आपको बोलना है. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे I'm here. Today, I'm here because I'm a student of Happiness Institute. I promise myself that come what may, I will learn, I will speak, I will motivate, I will guide, I will inspire, I will educate, I will inform. So thank you very much, everybody. पूरा खुल जाना है एकदम. ऑलराइट, जैकेट, व्हाट्स योर नेम? यू लर्न इंग्लिश. ओके, देयर वाज आल्सो जैकेट, यू आर आल्सो इन जैकेट, नो प्रॉब्लम. आराधना, ओके, आराधना कम. How many days have you completed? कितना दिन हुआ आपका? 20 days, 20 days. Where do you come from? कहाँ से आती हैं आप? महोजा नेवादा. चलिए, बहुत अच्छी बात. Please. No. ऐसे ही बोलना है, मेरी तरह बोलना. Right. No. जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे. Right. No. What is this? ये कौन सा नो है? No. All the best. Go ahead. Very good. No. ऐसे आप देखो, no मतलब जो ये लोग सोच रहे हैं वो नहीं सोचना है, तो ऐसे बोलना है. नहीं कहते कभी कोई चीज़, no, नहीं, 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 no.
बोलो लो, कोई बात नहीं, हाथ को खोलो, हाथ को खोलो, मुंह से बोलो, कम ऑन, नो नो नो, चलो वन टू थ्री, कौन गो, बोलो 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 बोलो, स्पीक, हाँ बोलो, स्पीक इट, कम ऑन, ऑल द बेस्ट, कम ऑन, गो अहेड, नो नो नो, आप जो ये डांस वाला करिए, नो नो नो, डांस में देखो ध्यान दीजिएगा, पब्लिक स्पीकिंग और डांस में एक डिफरेंस है, पब्लिक स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज टाइटली जाती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत इसको टाइट करना पड़ता है बॉडी को, और डांस में बॉडी लूज हो जाती है। अब जैसे मान लो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मेरी बॉडी हिल तो रही है लेकिन बॉडी मेरी टाइट है, सिर्फ मेरा पैर जा रहा है, और वहीं पर डांस में लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ रहे हो, कम ऑन, अब इसमें पूरी बॉडी हिल रही है, कमर भी हिली, पैर भी हिला है, सब कुछ हिला है, बॉडी में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग में क्या करना है, बॉडी ले जाना है लेकिन कमर पे एकदम टाइट रखना है, पूरी बॉडी टाइट रखना है, यस, बॉडी गई, हिला कुछ नहीं, पूरा एकदम सेफ है, वाह, इट्स इनक्रेडिबल, ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नहीं करना, राइट, चलो, नो नो नो, अच्छा बोलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थोड़ा खुल के बोलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आगे जाके खुल के बोलना, एकदम चिल्ला के, जैसे मान लीजिए आपके खेत में गन्ना बोया है, कोई चोरी कर रहा है, ए गन्ना उखाड़ रहे हो मेरा, ऐसे ही गन्ना के चोर को जैसे डांट रही वैसे ही गुड मॉर्निंग बोलना है, चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गन्ना का चोर सोचेगा ये कह रही और चुरा ले, और चुरा ले, फिर से बोलो, खुल के बोलो, और खुल के, तो ऐसे बोलो, तो ऐसे बोलो, वन टू थ्री, कम ऑन, गो, और इतनी आवाज है, आवाज और ज्यादा है ना, जुकाम है, चलो जुकाम में भी आ जाएगी आवाज, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल, हाथ पे ये देखो, ये कलाई नहीं नचाना है, हाथ को पूरा ले जाना है, हाथ को टाइटली ले जाना है, राइट, कलाई नहीं नचाना, हाउ आर यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज अब्दुल्ला, माय नेम इज अब्दुल्ला, माय फादर नेम इज जिक्रुल्ला, आई एम अ टीचर, डेली 5-10 मिनट प्रैक्टिस करनी है, सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े हो, ओपन करो अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा ओपन करो, पापा ने भेजा है, मम्मी ने भेजा है, यहाँ पे किसने भेजा है, बाबा, पापा इस कोचिंग के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, आपने उनसे कहा था यहाँ आने के लिए, आपने कहा था, आपको किसने बताया था, आप यहाँ पे देखी थी, तो आप सीखने आ रही हो, जब सीखने आ रही हो तो खुल के सीखो, क्या फायदा लिचिर पिचिर करके सीखने से, राइट, खुल के सीखो, खुल के सीखो, पापा मम्मी का नाम रोशन करो, ओके, ऑल द बेस्ट, ओके प्रिया, कम ऑन, आप लोगों को भी बुलाया जाएगा, टेंशन, हाँ नहीं क्या, हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत इजी है, हाय प्रिया, हाउ आर यू फीलिंग दिस टाइम, आर यू फीलिंग फैंटास्टिक, ज्योति मैम, राइट, हाउ आर यू फीलिंग दिस टाइम, I'm feeling, you're feeling okay. Hello, what are you doing? अच्छा आपकी sister है? रश्मि मैम की sister लग रही है, right? रश्मि मैम की sister. Okay, so how is the class going now? Class is going well. जोर से बोलो. How is class going now? Well, alright. तो अभी आपके अंदर वही वाली डर है जो मैं डर देख के गया था, right? चलो, 1, 2, 3. Good morning, everybody. How are you all? Oh no no no! स्पीकर की तरह बोलना है, अरे oh no no no! I didn't believe this. I didn't believe this. What happened? Shoulder पे, shoulder पे काम. What happened? I didn't understand. I'm sorry. I didn't understand. I'm sorry. I told you many times you didn't understand that.
That's not. I told you many times you didn't understand that. हाथ को पब्लिक स्पीकिंग में लूज नहीं करना है, बार बार मैं कह रहा हूं, हाथ हमेशा टाइट रहेगा. I told you many times, but you didn't understand. I told you many times. You didn't understand. What do you do? Dato, what do you do? What are you doing now here? What are you now here? मैं आपको डांटूंगा, मुझे डांटो. ठीक है, खड़े हो जाओ तुम. You don't understand. इसी तरह से मुझे डांटो. You don't understand. ऐसे आप डांटोगे तो गलती और आदमी करेगा. You don't understand. What happened to you? Just I can't understand you. I can't understand. What are you doing? I told you that this is your topic and you have to prepare it. I told you that. This is your topic. You prepare it. You prepare it. No problem. But you didn't do this. Ladies and gentlemen. A lot of times. अब देखो यहाँ आपके प्रेशर है ना, आपके स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं रहे हैं. अब ये प्रेशर कहाँ से निकलेगा? ब्रेन से. बॉडी लैंग्वेज देखो जरा, बॉडी लैंग्वेज. आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, प्रेशर निकल रहा है आपका, आप दिमाग पे दोनों हाथ चला गया. आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, यू डोंट अंडरस्टैंड. अब देखो आप हताश हो गए, निराश हो गए, सब कुछ छोड़ होता ना जब आदमी, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. यही है बॉडी लैंग्वेज, राइट? और ओपन हो जाओ. ओके, प्लीज सिट डाउन. गॉड ब्लेस यू. ओके, सवाल कुछ पूछ लीजिए, सवाल पूछ लो जल्दी जल्दी, मैं बता दूंगा. प्लीज. यही तो पॉइंट है आपको. वो आपने क्या बोलते हैं, बार अभी ये जो चल रहा है, न्यूता उता चल रहा है. आप शादी में गई थी किसी? अभी हाल ही में कहाँ? कल ही गए थे. कहाँ पे? वहाँ पे वो साधना मिली थी आपसे? साधना नहीं, सोनम या कोई, रेशमा कोई. अरे आपकी सहेली का नाम क्या है? नहीं नहीं, वहाँ पे आप शादी में सही. अरे शादी में आपकी फ्रेंड कौन थी? वो साधना नाम था, क्या था? रूपा. किससे मिली थी वहाँ शादी में? अरे शादी में किसी सहेली से आप मिली थी ना, क्या नाम था? मैं भूल रहा हूँ, आप बताइए. नाम क्या था आपकी सहेली का वहाँ जो शादी में जो मिली थी जिसे? आराधना. वही तो, आराधना था. अच्छा, आराधना के साथ आपने खूब मस्ती की, राइट? Yes, अच्छा, आप लोग डांस भी किए थे? Yes. डांस किए थे ना? कौन से गाने पे? कौन से गाने पे? बावन का. हाँ, राइट. यस, राइट ना? No. नहीं, कौन सा गाना था? अच्छा, भोजपुरी था इसलिए नहीं बता रहे हैं. आपको आराधना भी याद है, आपको बावन गज का दामन भी याद है, लेकिन आपको केमिस्ट्री का फार्मूले नहीं याद हो रहा है, इंग्लिश नहीं याद हो रही है. वही बात है. वही तो प्रॉब्लम ही है, वही तो हमारी प्रॉब्लम है. पॉइंट ये है, शादी में तो मस्ती है, पढ़ने में मस्ती है ही नहीं. पढ़ने में मस्ती डाल दो, खत्म. पढ़ने में मस्ती डाल दो, कुछ मत करो, पढ़ो मस्त. क्या कर रहे हो? IAS की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि जिम्मेदारी समझ के करती है ना, ड्यूटी समझ के करती है. मान लीजिए अभी, मान लीजिए जो, मान लीजिए वहाँ प्रेस कर रहे हैं, अभी उनसे आप पूछेंगे कि आप प्रेस कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कह रहे हैं जल्दी से छुट्टी हो जाए, मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो ड्यूटी समझ के कर रहे हैं. और वही प्रेस अब हम लोग को करने के लिए दीजिए. अगर हम लोग हम मस्ती करेंगे, अरे हाँ, लेकिन एक दिन करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो मस्ती जिस काम में डाल दोगे आप, आपको मजा आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा, सब कुछ होगा. मस्ती डालना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन प्लस इमोशन डालना बहुत ज़रूरी है. आपको आज हो सकता है मस्ती में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, आपको याद रहेगा. अच्छा वो वाली शायरी, अच्छा वो बतिया, अच्छा ये बतिया, वो बतिया, याद रहेगी. मस्ती में सीख रहे हो ना, मस्ती डाल दो पढ़ाई बस, दैट्स इट, राइट? गॉड ब्लेस यू. मस्ती डालो, मस्ती पढ़ाई. एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर समथिंग, आर यू वांट टू आस्क समथिंग, कुछ आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं.
कुछ आपको मैं समझा भी सकता हूँ, टाइम थोड़ा कम लेंगे अब आपका। यस प्लीज। ओके 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 परसेंटेज इज नेवर इम्पॉर्टेंट, परसेंटेज इज नेवर इम्पॉर्टेंट। ये तो हम लोग बात कई बार कर चुके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग राइट अभी। दैट्स वाई आई टोल्ड फाइव वर्ड्स, क्रिएटिविटी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, योर कॉन्फिडेंस एंड योर लर्निंग, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट। मेरी बीकॉम थर्ड ईयर की सर्टिफिकेट, बीकॉम मैंने किया, बीकॉम थर्ड ईयर की सर्टिफिकेट अभी तक मेरे पास नहीं आई है कॉलेज में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेट में अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स के साथ साथ बस ये। अरे अब क्या बताया जाए, बिल गेट्स बीए में पढ़ रहे थे, बिल गेट्स छोड़ दिए, मार्क ज़करबर्ग कितना पढ़े, जेफ बेजोस कितना पढ़े, एलॉन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर है कितना पढ़े, आप हिस्ट्री पढ़िए उठा के देख लीजिए, दैट्स इट। ये ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। Because you are not open. Try to understand. You are not open. Maybe हो सकता है आज के सेशन में जो मैंने तैयारी की थी, हो सकता है उसमें से ना बोला हूँ, लेकिन आपको महसूस होने दिया। हो सकता है मैं बोलने कुछ और आया था, बोल कुछ और दिया, पढ़ाने कुछ और था, पढ़ा कुछ और दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस 1% भी घटा नहीं। मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं बताने वाला था, लेकिन थोड़ा सा बता दिया, मैंने बता दिया, आई टोल्ड। तो बी ओपन, वेन यू ओपन योर सेल्फ। और वैसे भी आप लोग टीचर की तो सुनते नहीं हो, टीचर बार बार आपके कहते हैं अंदर रहो, बैठो, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो टीचर की आप बात तो नहीं सुनते हो, लेकिन जब टीचर आपके सामने बैठते हैं तो आप डरते हो। टीचर की इज्जत करना सीखो, डरो मत। तो जब आप, अरे यार मुकेश सर बैठे हैं कॉपी पेन लेके, जीतू सर बैठे हैं मुझे जजिंग कर रहे हैं कितना मार्क्स देंगे, ऑल दीज आर नॉनसेंस थिंग्स। जीतू सर विल ऑब्जर्व व्हाट यू विल परफॉर्म, ही इज ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट, व्हाट यू विल परफॉर्म दे विल गिव यू द परसेंटेज। मेक योर सेल्फ ओपन हेयर, मेक योर सेल्फ ओपन हेयर, राइट। हाय बोलो मेरे साथ, हाय, कोई नहीं उनको बोलना है, हाय, गुड मॉर्निंग, यस आई बिलीव, यस आई बिलीव, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके। जय सर को देख के बोलो आई एम ओके, अरे किसी लड़की को देख के बोलो आई एम ओके, किसी को देख के इधर लड़कियों को देख के बोलिए आई एम ओके, लड़कों को देख के बोलिए आई एम ओके, लो खुल गए, कल से काम चालू करो। हो गए, ओपन हो गए, हेजिटेशन खत्म, परफॉर्म करो आप, दैट्स इट। व्हाट्स योर क्वेश्चन? कहें कि आप वही है ना कि सामने वाला ज़्यादा आता है, सामने वाला क्या सोचेगा मेरा, कहीं जवाब गलत ना हो जाए। अरे हैव यू एवर सीन कभी एयरपोर्ट पे गई हैं कभी? एयरपोर्ट पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वहाँ जाओ तो अरे कहते कहते फ्याई छिंची अरे ऐसे भाषा वाले निकलते हैं, बोल रहे तर 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 तर, उनको डर लग रहा है अपनी भाषा बोलने, उनको लग यार गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आदमी बस बोलते ही चला जा रहा है, आप पहले शुरुआत में बोलते रहो, शुरुआत में परफेक्ट नहीं होना है, बोलते रहना है, फिर आपका ये बढ़ जाएगा, सेंस आ जाएगा, फिर आपके टीचर खुद हैं आपको बता देंगे कि किस तरह से बोलना है, पहले बोलो तो, राइट। मैं पहले झाड़ू लगाता था, मालूम कैसे, झाड़ू ऐसे पकड़ लिया, अब मैं झाड़ू ऐसे लगाता था ऐसे, तो अब ऐसे खड़ा हो गया पूरा झाड़ू, तो अभी खड़ा हो गया तो कितना साफ करेगा, कम साफ करेगा ना, उतना ही साफ करेगा जिस तरह उसका सरफेस होगा, पोर्शन होगा। तो फिर मुझे पता चला भाई झाड़ू ऐसे नहीं लगाते, झाड़ू को थोड़ा ऐसे प्लेट टाइप का करते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं, तो फिर मैंने ऐसे लगाना चालू किया। अब जहाँ जगह इतनी साफ होती थी वहाँ जगह क्या हुई, इतनी साफ होने लगी। वही करना है, पहले झाड़ू लगाना तो चालू करो, आपको पता चल जाएगा झाड़ू लगाना कैसा है, राइट। ये पॉइंट है, ऑल द बेस्ट। In anything you enjoy that, enjoy that. So how will I enjoy that? Of course, because अगर आप शादी में हैं तो तेरे ही के बारे में नहीं सोच सकते ना। There is a different feeling. शादी में गए, अब पूड़ी खा रहे हो, wow what a tasty, अरे यार कितना अच्छा शादी है, वो तो नहीं कह सकते, तेरे ही की अलग फीलिंग है, शादी की अलग फीलिंग है, और मैयत की अलग फीलिंग है, जन्म की अलग फीलिंग है। तो जब सबकी अलग फीलिंग है तो आप फील क्यों नहीं करते हो? अरे प्रेजेंटेशन की अलग फीलिंग है, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं अलग फीलिंग है,
स्पीच सेमिनार की और अलग फीलिंग है, और अगर बाहर हो गया, बाहर लग गया कैंप तो और अलग फीलिंग है, दिल्ली चले गए बोलने और अलग फीलिंग है। तो फील करो ना वो चीज, फील क्यों नहीं कर रहे, इट्स योर प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत है। हर चीज को फील करना और वैल्यू करना बहुत जरूरी है। टोस्ट खा रहे हो, टोस्ट टोस्ट की फीलिंग रहेगी, पारोटी खाओगे पारोटी की फीलिंग रहेगी, रोटी खाओगे रोटी की फीलिंग रहेगी, सिंपल है। फील करो, फील एवरीथिंग, एंजॉय एवरीथिंग, वैल्यू एवरीथिंग, एग्जैक्टली, ऑल द बेस्ट। सवाल हो कुछ पूछ लो, हम लोग सेशन को ओवर करेंगे, राइट? आप लोग अभी, हाँ यस रोशनी, लाइफ, लाइफ इज अबाउट, देखो लाइफ, व्हाट इज लाइफ एंड हाउ शुड बी लाइफ, दोनों सवाल में डिफरेंस है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज द थिंग व्हिच हैज बीन गिफ्टेड फ्रॉम द गॉड बाय आवर पेरेंट्स। आवर पेरेंट हैज गिवन अस बर्थ एंड दिस इज द लाइफ वी हैव टू सर्वाइव टू 60 इयर्स, 50 इयर्स, 40 इयर्स, 70 इयर्स, व्हाटएवर द गॉड विल गिव अस। बट द पॉइंट इज दैट हाउ शुड बी लाइफ, देयर इज द क्वेश्चन। How should be life? The life should be helping, the life should be cooperating, the life should be engaging, the life should be collaborating, the life should be motivating, the life should be inspiring, the life should be guiding, the life should be informing, the life should be educating, the life should be always expanding. So life should be and life is. Life is only life that you are living, it is your life. We are alive on this planet, we are sitting in this class, we are alive and this is our life. Yeah, hamari zindagi hai. And we should be thankful to the God and parents that we are alive. But how should be life? That is very important. Right? Are you okay? Thank you so much. Should be like. और कुछ लोग टैली एक्सेल के बारे में सवाल करना चाहते हैं, यस टैली एक्सेल वाले, हाँ है, यस अकाउंटिंग में बिजी है ना, यही तो इनकी प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग में बिजी है कि अभी माइंड वहीं पर रखे कर रहे यार, कीबोर्ड पर बैठते हैं तो ऐसे चलाते हैं, नहीं नहीं आस पूछिए पूछिए, हो सकता है फिर मुलाकात हो ना हो, आदमी नहीं जानता। सर एक्चुअली सब कहते हैं ना कि आप मतलब साथ में कि भी अपना काम करते रहो और एक दिन सक्सेस हो पाओगे, और कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को जाने की कोशिश करो, लोगों को बात करने की कोशिश करो और उनसे फ्रेंडली रहो तब भी आप सक्सेस हो, सर क्या मतलब? बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। ये सवाल देखा जाए तो बहुत बड़ा सवाल है, अच्छा बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल है, यू फील ना, बहुत बहुत अच्छी बात है। जब आप को जो मौका मिला है, आपको प्रेजेंटेशन आज आपका है और आप यहाँ आई शांत हो गई, नहीं सर हम शांत रहेंगे, हमारा टारगेट जो है हम डायरेक्ट अचीव करके बताएंगे आपको, वहाँ पर शांत रहने का कोई फायदा नहीं। आप फीस दे के यहाँ 3 महीने का 4 महीने का कोर्स करके आ रहे हो स्पीकिंग सीखने, यहाँ पर शांत आपको बिल्कुल नहीं रहना है, आपको बोलना है। दूसरी चीज़, हमेशा आपको 90% शांत रहना है। आदमी जो बड़बड़ ज़्यादा बोलता है वो बहुत गलत इंसान होता है, बड़बड़ करने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा बोलता था, अब हम लोग बहुत कम कर दिए, ये तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास चलाने आया हूँ तब बोल रहा हूँ। हम लोग पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ ब्रांच तेरी वहाँ इंस्टीट्यूट हार्ट ये खोल देंगे वो कर, गलत बात है। मैंने दिल्ली में खोल भी लिया फिर भी यहाँ उद्घाटन का लड्डू आपको नहीं खिलाया। जिस दिन दिल्ली में इतने लड़के हो जाएंगे उस दिन हम यहाँ पे मिठाई की पार्टी करेंगे। तो पहले करो, अचीव करो, फिर दुनिया खुद देख लेगी, दिस इज द पॉइंट, राइट? बोलते हुए बोलना है, शांत ज्यादा रहना है, इतना शांत नहीं कि दुल्हनिया शर्मा रही है, समझ रहे हैं ना, दुल्हवा शर्मा रहा है, इतना शांत नहीं, अरे ऐसे नहीं रहना, राइट? जब आप रोड पे चलो ना, रोड पे अगर आप कॉन्फिडेंट की तरह चलोगे, किसी लड़के के अंदर हिम्मत नहीं कि आपको छेड़ दे, आपको कुछ कह दे, आप चलो तो शेरनी की तरह चलो, चलो कभी सर झुका के बहुत नाजुक बन के नहीं चलना है, शेरनी की तरह चलना है, दहाड़ते हुए, रोड पूरा खाली हो जाए हट तो यहाँ रही है, दहाड़ के चलना है, दहाड़ के, लड़की हो या लड़का दहाड़ के चलना है। मैं जब चलता हूँ लोग मुझे देखते हैं, आ गया बंदा, बंदा आ गया, दम है बंदे में, चलो कॉन्फिडेंट, ऑल राइट ओके दैट्स ग्रेट थैंक यू, ज्यादा एटीट्यूड नहीं, राइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। टू मोर क्वेश्चंस नाउ, ओके लास्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मोर प्लीज, यस सॉरी आई एम नॉट सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो इसका जवाब मैं यही दूंगा कि मेहनत करते जाइए, जैसे मैं कर रहा हूं, मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ इसलिए इसका जवाब मैं पूरा आपको नहीं दे सकता, आधा ही दूंगा कि मेहनत करते रहिए, अपने काम से प्यार करिए,
और बस लगन से करते रहिए, राइट। तो जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब इसका आपको जवाब पूरा दे दूंगा, राइट। थैंक यू। ओके, यस। हाँ, मी बाय यू, आपसे नहीं, आपसे ही तो सीखा है। मुझे पता था कि एक दिन आप आएंगे सीखने, और जब आप आएंगे यहाँ पे कोचिंग ढूंढेंगे, इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे, तो मैं 12 साल पहले ही खोल दिया यहाँ। जब आप आएंगे यहाँ पे सीखने तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप डायरेक्ट क्लास करने आ जाओ। बस इसीलिए मैंने जो है कि शुरुआत की थी। आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई हैड पैशन। ए गर्ल्स, आई हैड पैशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश, पैशन था थोड़ा सा, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड आई लर्न, आई स्टार्टेड दिस कोचिंग। आफ्टर दैट उसी में चलता गया मामला, राइट। इसी सीखने अब ये क्या है, सीक्रेट है, थोड़ा आधा बताया आधा रख लिया, तो पूरा चीज नहीं शेयर करता हूँ, राइट। चलो 5 मिनट और आपके सवाल, 5 मिनट और बात कर लो, लेट्स इट। कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कहो कहो एकदम। आप भाई मानते हो भाई की तरह कहो, दोस्त मानते हो दोस्त की तरह कहो, टीचर मानते हो टीचर की तरह कहो, कोई कोई आपत्ति नहीं है मुझे। शेयर शेयर, यस, कुछ भी, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, अगर आपको एक छोटा सा भी पॉजिटिव मैसेज मेरी तरफ से मिल रहा है तो बहुत अच्छा काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, मैसेज मिल रहा है आपको, यस, नो प्रॉब्लम, शेयर, यस। बहुत टेंशन में, कुछ लोग तो ऐसा उदास बैठ गए कि जैसे लग रहा है ओहो शादी में गए थे पुड़िया खत्म हो गई, राइट, है ना। तेरही में खाते थे बहुत, है ना, तेरही का खाना बहुत टेस्टी होता है, मजा आ जाता। मतलब आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की बात कर रहा हूँ कि आत्मा अच्छा लगता है खाना। एक बार मैं पूछा भी था सर से कि क्या तेरही के खाना की तारीफ कर सकते हैं हम, तो इन्होंने कहा था हाँ कर सकते हैं, खुल के वो पंडित जी बताए थे ना, कर सकते हैं। मुझे अजीब सा लग रहा था कि तारीफ वरीफ क्या करना है इसमें, खा के निकल लो। अरे नहीं, जो गार्जियन रहते हैं पूछने आते हैं भैया कैसा खाना था। हाँ हाँ हाँ, तो क्यों पूछते हैं कि आप बताइए कम से कम कि कैसा टेस्ट था। अच्छा फिर करेंगे तो आत्मा भी तो अच्छा फील करेगी। माँ का आत्मा शांत कुर्सी के लिए तो करते हैं, आत्मा आत्मा होगा, आत्मा अच्छा महसूस करेगी। और कुछ या हाँ जी, आपका सवाल है आपका, हाँ, माय गोल यही दिस, आगे तो हम लोग इतना जाएंगे कि बस पीछे नहीं आएंगे। हाँ, जो आगे हैं लोग वो भी पीछे चले आएंगे देख के, राइट, कि अरे यार अभी आगे जा रहा है तो छोड़ो इसको, इसको आगे जाने दो, है ना, बस यही आगे जाना। और आगे जाके बहुत आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ से गॉड नज़दीक हो जाएंगे, भगवान ऊपर वाले खींच लेंगे, वहाँ से ऊपर चले जाना, आगे जाके ऊपर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। So guys, ladies and gentlemen, if I talk about myself today, right, so my name is Muhammad Abdullah and today I'm here just for some public speaking tips. Give me a confidence. मैं आया एक अलग अंदाज में, hi everybody, थोड़ा यहाँ तक मेरा मान लो sleeps आ गया, आते हैं। Okay everybody, good morning, of course, this is a great time for all of us, right. ये मेरा एक तरह का ए attitude आ गया। Hi, good morning, चल भाई, हाथ निकल बात, क्या कर रहे हो अभी, ये आपके अंदाज से अगर किसी को चोट लग गई, कोई आपके बारे में अच्छा महसूस नहीं है, क्या ईगो है, राइट, चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो पीछे बैठो, इनको क्या होगी तकलीफ, ईगो, हाय कैसे हैं आप, ठीक है, एटीट्यूड है। ईगो नहीं है, ईगो ईगो नहीं है, क्यों ईगो है, व्हाई इज इट ईगो, मैं कर सकती हूँ, ये ईगो कैसे हो सकता है, हाउ इट मे बी ईगो, आपको कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर,
अरे जैसे चश्मा लगा रही है, अब इनको लग रहा है कि मैं चश्मा के बिना देख सकती हूँ, तो चश्मा उतार देंगी, देख लेंगी। इनका ईगो है कि कॉन्फिडेंस है? ईगो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चश्मा डॉक्टर ने दिया है ना, तो ईगो नहीं हो सकता। ईगो हाई, ईगो दैट्स नॉट ईगो, एग्जैक्टली राइट, दैट्स नॉट ईगो। एक छोटा सा डिफरेंस, जैसे मान लो अगर आपके टीचर आए और आपसे वो सुपेरियर नहीं दिख रहे हैं, आपसे अच्छे वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके वो टीचर हुए कैसे? आपके अंदर भी एक आ जाएगा ना भाव कि अरे चलो इनको जब चाहो नचा दो, ये कहाँ से टीचर है। वो टीचर अपना एटीट्यूड लेके आता है क्लास में, कॉन्फिडेंस लेके आता है और नॉलेज लेके आता है। आपके सामने आता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, चलिए आज बात करते हैं इस पॉइंट की। टीचर वैसे अपना हाथ फेंक रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, टीचर का क्या है? ईगो है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, देखिए मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता, आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं समझा दूंगा। ये क्या है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, दैट्स इट, ऑलराइट, दैट्स ऑल, ऑलराइट, दैट्स ऑल, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में जाते जाते चार लाइन का मैं आपको गाना पेश करना चाहूंगा, जो आपकी जिंदगी में आप लेके जाओगे, इसको साथ में लेके जाना। चार लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी गाया था मैंने कि ओ जब तुम चलोगे तो चोट लगेगी, जब तुम गिरोगे तो मौका भी होगा, जब तुम चलोगे तो चोट लगेगी, हो जब तुम गिरोगे तो मौका भी होगा, ये तुम जानते हो मैं भी जानता हूँ, तीन चार डॉट्स के बाद चौका भी होगा, ओ भीड़ मिलेगी, भीड़ से आगे बढ़ना होगा, मुसीबत मिलेगी, मुसीबत से तुझे लड़ना होगा, जब तुम चलोगे तो चोट लगेगी, जब तुम गिरोगे तो मौका भी होगा, हो कभी कभी रास्ते में कांटे होंगे, कभी कभी गालों पे चाटे होंगे, कांटों से नहीं है तुमको डरना, आगे है बस तुमको बढ़ना, हो आगे बस है तुमको बढ़ना, आगे बस है तुमको बढ़ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, चार लाइन मेरी पहले की लिखी हुई है और चार लाइन तुरंत बनी है, पार्क में बन गई थी वहाँ पे। बहुत ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छा खासा है अरे बन जाता है जी। अगर आपका कोई पर्सनल भी सवाल होगा, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछ लीजिएगा। कल मैं आपको क्लास लूँगा स्पीकिंग वालों का, मैं आपको उसमें अंदर से बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, राइट? थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, और आप लोग बढ़ते रहिए, हंसते रहिए।